सो दोस्तों, आज हमारे पास है 2022 मॉडल यामाहा की MT-15, जो कि नया कलर है। शायद आप लोगों ने ना देखा होगा। आज हम इसके बारे में जानने में, सबसे पहले मैं आपको कलर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यार, कितना खूबसूरत सा कलर है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कलर कैसा लगा। बाकी डिटेल्स आगे हम जानने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। मुंबई की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 2,04,000 रुपये विद एसेसरीज़। अभी हम बात कर लेते हैं बाइक के बारे में। ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। ऐसे आपको मिरर मिल जाएंगे, बाकी हैंडल बार आप देख सकते हो, इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला है, LED का ऑप्शन आता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और हेडलाइट की बात की तो बहुत ही खूबसूरत सी आपको हेडलाइट मिल जाती है। मुझे इसका डिज़ाइन तो बहुत अच्छा लगा। आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, DRL भी आपको LED मिलने वाले हैं। और इसकी हेडलाइट सबसे पहले हम ऑन करके देख लेते हैं। इस बाइक की सबसे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। आपको कुछ ऐसी की मिल जाएगी, मुझे इसकी की काफ़ी अच्छी लगी। और अभी हम बाइक को ऑन कर लेते हैं। ये रहा मीटर कंसोल। मीटर कंसोल के बारे में आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये रहा इसका DRL, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इंडिकेटर, कुछ ऐसे दिखेगा। और टेल सेक्शन भी अभी हम देख लेते हैं ऑन करके, उसके बाद हेडलाइट देखेंगे। भाई इसका टेल सेक्शन बहुत ही खूबसूरत सा, देख सकते हो टेल लाइट आपको LED मिल जाती है। इंडिकेटर ये रहा। सो ये रहा इसका रियर का व्यू। और अभी हम इसका इंजन ऑन कर लेते हैं और सामने आ जाते हैं। और ये रही इसकी हेडलाइट, आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी हैं। ऐसे कुछ दिखेगी ऑन होने के बाद। हाई बीम करके दिखा देता हूँ मैं। हाई बीम पे आपको और भी अच्छा थ्रो मिल जाएगा। और अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। सो पहले किल स्विच से एंड की से, और आ जाते हैं अभी हम फ्रंट में। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। और सबसे पहले आपकी नज़र पड़ने वाली है इसके सस्पेंशन पे। फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल जाता है गोल्डन कलर का, USD फोक, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है और एक अच्छा सस्पेंशन होता भी है। और रियर में आपको मिल जाता है मोनोक्रॉस सस्पेंशन, येलो कलर का आप देख सकते हो। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं। इसके मडगार्ड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा ग्लोसी फिनिश में, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। अभी हम इसके टायर की बात कर लेते हैं। आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं, MRF ब्रांड के। टायर साइज आपको फ्रंट में मिलने वाली 100x80 की। और टायर पैटर्न आप देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। और रियर का टायर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। रियर में आपको रेडियल टायर मिल जाता है, साथ में वाइडर टायर साइज मिल जाएगा। और रियर टायर साइज आपको मिलने वाली है 140x70 की। काफ़ी ज़्यादा आपको वाइडर टायर साइज मिल जाएगी फ्रंट के कंपेरिजन में। और व्हील की बात करें तो आपको एलो व्हील मिलने वाली है, जिसकी साइज आपको फ्रंट एरियर में सेम देखने को मिलेगी। और ये व्हील देख सकते हो, और ये कलर एकदम स्काई ब्लू जैसा बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। देख सकते हो बहुत ही अच्छे से तरीके से बाइक को मैच भी कर रहा है ग्राफिक्स से। और ब्रेक की बात करें तो आपको डुअल डिस्क मिल जाता है, साथ में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। एंड बाय ब्रेक आपको ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। ओवरऑल ये बाइक इधर से कुछ ऐसे दिखने वाली, ABS की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। ये रहा इसका इंजन काउल, जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है, अच्छे से प्रोटेक्ट किया है इंजन को। और ये रहा इसका कूलिंग सिस्टम, जो कि आपको लिक्विड कूल मिल जाता है। अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम आपको इस बाइक में मिल जाता है। MT की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये रहा इसका इंजन, यामाहा की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 155 cc का, जिसमें आपको पावर मिल जाएगी 18.4 PS एट 10,000 RPM पे। टॉर्क आपको मिल जाएगा 14.1 Nm एट 7,500 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, फोर वॉल्व, लिक्विड कूल FI, और साथ में आपको मिलने वाला 6-speed गियरबॉक्स। यहाँ पे आपको यूनिक सा टेक्सचर मिल जाएगा। इसका इंजन तो आपको बहुत ही दमदार मिल जाता है, आपको अच्छा खासा पावर एंड पिकअप मिलने वाला है। यहाँ की बात करें तो आपको MT की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड स्टी कवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, आप देख सकते हो। ये रहा इसका टैंक का, और यहाँ का लोगो आपको मिलने वाला, ऐसा कुछ आपको टैंक मिलने वाला है। और यूनिक सा टेक्सचर। सीट कवर की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिलने वाले, MR की ब्रांडिंग, साथ में थोड़ा बहुत स्टिकर वर्क। और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, एज अ कैबरेल आप इसे यूज कर सकते हो। मेटल का आपको मिलने वाला है। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, जो कि आपको फोल्डेबल मिलने वाला राइडर फुटरेस्ट। ये रहा आपका गियर पैड, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। ये रहा इसका एक्सॉस्ट, जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। और अभी हम देख लेते हैं इसका राइट साइड से फुल व्यू। ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कैसी लगी। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, खासकर ये कलर। इसका एक और कलर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, ब्लू कलर। पहले अभी हम चलते हैं इसका टेल सेक्शन देख लेते हैं। ये रहा इस बाइक का टेल सेक्शन। टेल लाइट आपको मिल जाती है, LED, इंडिकेटर बल्ब। ओवरऑल ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा। और चलते हुए हम इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से हम बात कर लेते हैं। आपको इसमें टायर हैगर मिलने वाला, जो कि कुछ ऐसे रहेगा। सारी गार्ड आप देख सकते हो। और चैन ड्राइव ये रही आपकी, देख सकते हो। ये रहा पिलियन राइडर फुटरेस्ट। सीट कवर आप देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। और इधर आपको सेम डिजाइन देखने को मिलेगा जैसे हमने उधर देखा था। ये रहा आपका गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6 मिलने वाले।
पहले आपका नीचे लगेगा, बाकी के 5 ऊपर लगने वाले। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है। और इधर से भाई कुछ ऐसे दिखेगी, ये रहा इंजन, एमटी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टैंक का आप देख सकते हो, टैंक कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। ओवरऑल ये बाइक लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली, बहुत ही खूबसूरत सी। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सीट कम्फर्ट एंड फ्यूल टैंक के बारे में। ये रहा इस बाइक की सीट, आपको सिंगल सीट मिल जाती है लेकिन डिवाइडर दिया गया, जिसे काफी खूबसूरत लग रही है। और कम्फर्ट की बात करें तो काफी अच्छा मिल जाता है, और आपको कुशनिंग भी काफी अच्छी मिलने वाली। राइडर को अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा, प्लेन राइडर को ओके टाइप का मिलने वाला है। एज अ गैरबेल आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी ये रहे इसकी सीट आप देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। ये रहा इसका फ्यूल टैंक, आपको डुअल टोन में मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 10 लीटर का मिल जाएगा। माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिलने वाली है 45 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। और यहाँ पे आपको यूनिक सा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये रहा आपका फ्यूल कैप। अभी हम इसके मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा इसका मीटर कंसोल, आपको फुली डिजिटल मिलने वाला, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट और भी काफी सारे कूल से फीचर्स आपको मिलने वाले इस मीटर कंसोल में। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, आरपीएम या आपका ऑडोमीटर, स्पीड, यहाँ पे आपका फ्यूल का बताएगा, बाकी के इंडिकेटर आप देख सकते हो। और सेट रिसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एमआर की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलने वाली है। सो ऐसा कुछ आपको मीटर कंसोल मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं रेसिंग हैंडल बार के बारे में। थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच, सेल्फ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और देख सकते हो ऐसा कुछ आपको हैंडल बार मिलने वाला है। इधर की बात की आपका अपर डिपर हॉर्न या आपका इंडिकेटर हो गया या आपका क्लच लीवर, साथ में आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। इस बाइक की लेंथ की बात करें तो आपको मिलने वाला 2015 mm। इसकी विड्थ आपको मिल जाएगी 800 mm। ओवरऑल हाइट इसकी मिलने वाली है 1070 mm। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा 170 mm। और इसका वेट है 139 kg। सीट हाइट आपको मिलने वाली 810 mm। व्हील बेस है 1325 mm। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 10 लीटर की। कलर ऑप्शन की बात की, इसमें आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ये नया कलर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कैसे लगे। सो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में आपको इसमें मिल जाता है वीबे, जिसे बोलते हैं वायरेबल वॉल एक्चुएशन, जिसकी वजह से आपको टॉप एंड काफी अच्छा मिल जाता है। स्लीपर क्लच मिल जाता है, साइड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, और आपको नई स्टाइल देखने को मिल जाती है। नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है ये, और व्हील के कलर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। सस्पेंशन आपको गोल्डन कलर के मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, और यूएसडी फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं। सो इसमें आपको राइडर को कम्फर्ट काफी अच्छा मिलेगा, प्लेन राइडर को ओके टाइप का मिलने वाला है। और ये बाइक बनी है सिटी में चलाने के लिए, हाईवे भी लेके जा सकते हो, लेकिन सिटी के लिए काफी परफेक्ट है। आप लोग क्या ओपिनियन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।